नमस्कार, आप देख रहे हैं लोक टीवी। मैं आपके साथ हूं प्रशांत त्रिपाठी। लोक टीवी की चुनावी सफर आ चुकी है प्रयागराज में और हम हैं इस समय इलाहाबाद कचहरी में, जहां पर हम वकीलों से जानेंगे क्या है यहां के चुनावी मुद्दे और क्या है उनके प्रॉब्लम और किस आधार पर करेंगे इस बार चुनाव। तो सबसे पहले हमारे साथ है बार एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री राधारमण मिश्र जी। हम इनसे जानेंगे कि क्या इस बार वकीलों को किस तरीके से आप प्रतिनिधित्व भी करते हैं, तो ये किस आधार पर अपनी सरकार चुनेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका लोक टीवी में। जहाँ तक नई सरकार बनने का सवाल है, जी इस संदर्भ में तो स्पष्ट रूप से अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। जनता का मत है वो तो 10 मार्च को ही पता चलेगा कि कौन सी नई सरकार। किस आधार पर जनता मत करने जा रही है? जनता विकास के मुद्दे पर मत करने जा रही है कि विकास हमारी प्राथमिकता है, बेरोजगारी है, तो शिक्षा है, स्वास्थ्य है, इन सब मुद्दों पर ध्यान में रखते हैं। बेरोजगारी, बेरोजगारी के लिए कौन सी सरकार अच्छी मान रहे हैं लोग? आप लोग किसे मान रहे हैं कि कौन सी सरकार बेरोजगारी को खत्म कर पाएगी? देखिए, जहाँ तक हमारा सवाल है, वादा तो सभी सरकारें करती हैं कि बेरोजगारी हम कम करेंगे। जहाँ तक हमारे युवा साथियों का सवाल है, उस बेरोजगारी का मतलब केवल सरकारी नौकरी समझते हैं। सरकारी नौकरी इतनी नहीं है कि सब लोगों को रोजगार मिल जाएगा, उसके लिए अन्य विकल्प भी तलाशने होंगे सरकार को, और सरकार जो भी आएगी उस संदर्भ में विचार करेगी। तो ये वर्तमान समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। लोग बोल रहे हैं कि बेरोजगारी के मामले में ये फेल हो चुकी है, आप इसे किस तरीके से देखते हैं रोजगार के मामले में? नहीं, मेरा मत ये है कि सरकार इस मामले में फेल नहीं है। बल्कि जो पहले से रिक्तियां थी, उन रिक्तियों को काफ़ी भरा गया है। आगे वाले आने वाले दिनों में क्या करेंगे, तो मैनिफेस्टो उनका जो बताएगा, किसी भी पार्टी का जो कुछ भी होगा वो बताएगा, उसी के आधार पर उनको काम करना चाहिए। अच्छा, प्रायः देखा जा रहा है कि स्थानीय नेताओं से लोग नाराज हैं, तो उसको कैसे मैनेज कर पाएंगे भारतीय जनता पार्टी वाले? नहीं, हमारा जहाँ यहाँ तक सवाल है, मैं हमारा जिला अधिवक्ता संघ किसी पार्टी से कोई संबंध नहीं रखता है, वो अपने अधिवक्ताओं के हित की बात करता है। अच्छा, इस बार कुछ अधिवक्ताओं के भी मुद्दे हो सकते हैं चुनाव के लिए? क्या अधिवक्ताओं के मुद्दे हैं? जैसे इतना बड़ा कोरोना काल आया, इतनी बड़ी महामारी आई, और लोगों को सहायता दी गई, मध्यम वर्ग को कुछ नहीं दिया गया, जहाँ तक हमारे अधिवक्ताओं का सवाल है, अधिवक्ताओं के हमारे किसी पार्टी ने भी कोई मदद नहीं की सामने आ करके, इसलिए हमारे अधिवक्ताओं में एक आक्रोश है। वो क्यों, कोई भी पार्टी हो, सबके प्रति, किसी के प्रति कोई हमदर्दी? कोरोना काल में तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तो आक्रोश किसी भी पार्टी की सरकार रही हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जिसकी सरकार हो वही आगे आए। और भी पार्टियां हैं, आज चुनाव में तो सबके पास धन बल सब दिखाई दे रहा है, लेकिन कोरोना काल में किसी की मदद के लिए कुछ दिखाई नहीं दिया है, इसलिए अधिवक्ताओं में आक्रोश है कि हमारी कोई सुनने वाला नहीं है। अब अधिवक्ता इस बात पर विचार कर रहा है कि जो हमारी सुनेगा उसी के हम निर्णय लेंगे, उसी के पक्ष में। अच्छा, यदि हम अध्यक्ष जी से पूछना चाहें कि इस बार किसको वोट करने वाले हैं, किसका सपोर्ट करने वाले हैं, तो किस क्या इशारा होगा? नहीं, मतदान की ऐसी स्थिति होती है कि मतदान हम कहाँ करेंगे इसकी बात हम कह नहीं सकते हैं ओपनली। मतदान हमें जहाँ समझ में आएगा, जो उचित समझ में आएगा वो हम करेंगे। अच्छा, अभी नहीं बताएंगे किसको मतदान करने वाले हैं। और कुछ समस्याएं यहाँ के जो आने वाले वकील हैं प्राय क्या कैसी? नहीं, हमारे यहाँ आने वाले अधिवक्ताओं के लिए यहाँ बहुत सी समस्याएं हैं। सबसे बड़ी समस्या जो हमारे नए अधिवक्ता एनरोल होकर के यहाँ आते हैं, उनके बैठने की बहुत बड़ी समस्या है। बैठने के लिए जैसे अभी हमारे यहाँ एक टीम आ गई थी, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया था, शासन से भी आ गया था, जितना कचहरी के बिल्डिंग के आसपास बैठते हैं उनको हटाया जाए यहाँ से। हम लोगों ने जनपद न्यायाधीश और माननीय उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति से मिल करके उस समय का समस्या का समाधान कराया कि पहले आप हमारे यहाँ बैठने की व्यवस्था कीजिए, वैकल्पिक व्यवस्था दीजिए, तब हम खाली करेंगे। सबसे बड़ी समस्या ये है, सभी समस्या उनकी ये है कि उनको आर्थिक स्थिति से किसी प्रकार का कोई सहयोग सरकार की तरफ से नहीं मिलता है। जो नए अधिवक्ता आते हैं उनको 4-5 साल सेक्रीफाइस करना पड़ता है, उस दौरान उनको कोई सहायता नहीं दी जाती है। हम सरकार से यही अपेक्षा करते हैं, जो भी सरकार आएगी, कि हमारे नए अधिवक्ताओं पर ध्यान देगी, उनकी आर्थिक स्थिति पर कुछ विचार करेगी। यदि हम मंत्री जी से जानना चाहें तो यहाँ के लोगों की क्या समस्या हो सकती है? अभी वकील साहब ने बताया, अध्यक्ष जी ने बताया कि वकीलों की क्या समस्याएं हैं, तो आम लोगों की क्या समस्याएं हो सकती है? देखिए, मैं विद्याभूषण द्विवेदी वर्तमान में मंत्री जिला अधिवक्ता संघ प्रयागराज का हूँ। यहाँ पे अधिवक्ता भाइयों की समस्या जो है वो बहुत सी है, लेकिन मुख्य समस्या जो है उनका है, उस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। असली समस्या ये था कि अभी आपने देखा विगत सालों में कोरोना का बड़ा व्यापक महामारी का व्याप्त था हमारे देश में, देखा गया। उसमें बीजेपी सरकार, हम किसी सरकार के विरोधी नहीं हैं, हम कोई भी सरकार आवे
हमारे हित की बात अगर करेगा तो हम उसके हिमायती हैं, तो उस पर कोई भी नज़र सरकार की नहीं गई, जो कि ध्यान देना चाहिए। क्या हम उसी समाज के एक पहलू हैं जो बुद्धिजीवी हैं? हम ऐसे बुद्धिजीवी हैं कि हम सरकार इधर सुधर भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारा एक ऐसा संगठन मजबूत संगठन है, लेकिन उसमें किसी हम वर्तमान सरकार ने कोई भी ध्यान नहीं। तो मतलब नाराज है वर्तमान सरकार? बिल्कुल नहीं, नाराजगी बिल्कुल फिर नहीं। फिर क्या फिर लेकिन क्या? ये नाराजगी हमारे अधिवक्ताओं के बीच में है। हाँ। लेकिन जहाँ समाज की बात देखिए, समाज को निष्पक्ष निडर होकर के वो न्यायपालिका में आ सके, उसको कोई डर भय नहीं होना चाहिए, उसको सरकार की जिम्मेदारी। मतलब अधिवक्ता संघ जो है अपने व्यक्तिगत हितों को अनदेखा करते हुए समाज हित में वोट करेगा? हाँ, वोट बिल्कुल करेगा। हम ये देखेंगे कि जो हमारे समाज में कोई भी, चाहे पुरुष हो चाहे महिला, वो निडर होकर के सड़क पर चल सके। सड़क तो चौड़ी हो गई, लेकिन उसकी सुरक्षा भी तो होनी चाहिए। तो सुरक्षा जब चौड़ा जो कर सकता है तो सुरक्षा भी कर सकता है। अच्छा, एक बात यदि पूछे कि पिछले सरकारों में आप लोगों ने देखा होगा माफिया राज, गुंडा राज, कुछ कम हुआ है? कुछ कम केसेस आती हैं कितना ही? अरे बहुत कम हुआ। मैं अगर परसेंटेज तो नहीं मैं पूरा बता सकता, लेकिन मैं अपना अनुमान बता सकता हूँ कि 60 और 70 के बीच में ये चीज़ें हुई हैं, कि जिसपे हम ये सोच लेते हैं कि हम न्यायपालिका में चलें और खुले रूप में सड़क पे चलें, तो हमारी सुरक्षा और हमारी मांग कहीं ना कहीं वो सुनी जाएगी, अनदेखी नहीं होगी। तो उसी सरकार की हम अपेक्षा करेंगे। विगत सालों में जो सरकार रही है उससे अपेक्षा नहीं किया जा सकता था, और बहुत ही परेशानियां। बहुत महत्वपूर्ण द्विवेदी जी, यदि हम आपको एक ब्राह्मण के नाते पूछे तो ठाकुरवाद दिखता है इसमें योगी जी में? देखिए, हम जिस इसमें जिस वर्दी को पहने हुए हैं, हम वकील हैं, हम वकील ऐसे बुद्धिजीवी हैं कि सब पर देखते हैं। हम जात पांच पे और वर्ग पे नहीं जाते। जो सही सरकार निकल के उभर करके आती है और देखने में लगता है कि कल वो अच्छा काम करेगी, हम उसी को गोपनीय ढंग से मत प्रदान अपना करेंगे। सबसे पहले मैं भारत के और अपने प्रांत के सभी नागरिकों से यह अपील करेंगे कि खुले मन से आकर के अपना गोपनीय मतदान करें, निष्पक्ष ढंग से, कोई जात न पात, जो हमारे हित और हमारे समाज की बात सोचे वही, उसी को मत देने का हम अपील करेंगे। बस यही हमारी है मांग। तो यदि हम बात करें हिजाब की, बात तो हिजाब ने भी आजकल एक बड़ा तूल पकड़ लिया है, तो वो राजनीति किया जा रहा है। अगर उसको कानूनी देखा जाए तो हमारे कानून में ऐसी कड़ियां हैं कि वो उनके साथ में अन्याय कभी हो ही नहीं सकता। ठीक है, कानून में ऐसी चीज़ें नहीं है, तो हमारे संविधान में ये चीज़ें व्यवस्था हैं। हाँ, सबको स्वतंत्रता आजादी है, लेकिन इसको राजनीतिक पहलू पकड़ाया जा रहा है। फायदा अभी भारतीय जनता पार्टी ले रही है इसकी, वो अलग विषय है। तो अपने हर पार्टियां अपना अलग अलग लेती हैं, वो न्यायपालिका में है, न्यायपालिका खुद उस पर अपना आदेश पारित करेगी, इस पर हम कुछ नहीं बोल सकते। ठीक है, तो इस बार बेसिकली बता तो नहीं रहे हैं, लेकिन इशारों में पता चल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, देखते रहिए हमारे साथ लोक टीवी।